हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर सेकेंड ऑफ साइंस ऑफ क्लास 8, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सूक्ष्म जीव, वो क्या हैं? जो हमारे मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं। फ्रेंड्स मित्र एंड फो का मीन्स शत्रु। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स देखे होंगे। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। उनमें से जो कुछ ऐसे सजीव पदार्थ होते हैं जिनको हम बिल्कुल ऐसे नहीं देख सकते, जिनको सिर्फ हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स के जरिए ही देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मोस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विद ग्रेश वाइट पैचेस। एग्जाम्पल के तौर पर हमने उनकी सफ़ेद काले धब्बों से जो ढकी होती है, और जो वर्षा ऋतु में ब्रेड या रोटी जब गल जाती है, सड़ जाती है, तो उनकी स्थान पर जो वाइट से जो धब्बों से एक स्किन सी बन जाती है, वो होते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जिन्हें हम सिर्फ उसको माइक्रो से ही सूक्ष्म यंत्र से ही देख सकते हैं। अब नेक्स्ट इसका पॉइंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इंटू फोर मेजर ग्रुप्स। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। जो सूक्ष्म जीवों को हम फोर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो इनका समूह होता है उनको हम चार भागों में बांट सकते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। बैक्टीरिया का मीन्स जीवाणु, फंगी कवक और प्रोटोजोआ, और एल्गी का मीन्स होता है जो शैवाल। वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो विषाणु वायरस भी छोटे होते हैं, परंतु वे जो अन्य जो सूक्ष्म जीवों से बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन कर सकते हैं, विच में बी ए बैक्टीरियम प्लांट और एनिमल्स। वे सिर्फ जो पौधे या जीवाणु या जंतु कोशिका में ही अपना गुणन करते हैं। डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर केज्ड बाय प्रोटोजोआ, वेयर टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज। जो अतिसार एवं मलेरिया, डिजीज का मीन्स होता है अतिसार, और मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड एंड जो ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, जो क्षय रोग होता है, वो जीवाणु द्वारा होने वाला रोग होता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेल्यूर सच एज मैनी एल्गी एंड फंगी। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो एक कोशिक होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, या बहुकोशिक जैसे कि कई शैवाल या कोई कवक। यह बर्फीली शीत से
जो उष्ण स्रोत होते हैं हर प्रकार की, जो उनकी परिस्थिति होती है, इन्वायरमेंट होता है, उसी में ही जीवित रहते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर भी आश्रित होते हैं, और जबकि कुछ अन्य जो स्वतंत्र रूप से ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, जो सूक्ष्म जीव होते हैं और हम। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे जो लाइफ है उसमें इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल्स इन मैनी वेज वेयर वेज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड केस डिजीज। कुछ जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, बेनिफिशियल्स लाभदायक होते हैं, और कुछ जो होते हैं हार्मफुल होते हैं, नुकसानदेह होते हैं, तथा जीवों में रोग के कारण होते हैं, जो डिजीज का कारण बनते हैं। अब है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे मित्र होते हैं, मित्र सूक्ष्मदर्शी जो जीव होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, जो सूक्ष्म जीवी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो विभिन्न कार्यों में उपयोग होते हैं, किए जाते हैं। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड ब्रेड एंड केक, उनका उपयोग दही ब्रेड एवं केक बनाने में भी किया जाता है। दे आर आल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनिक वेस्ट आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। इन एग्रीकल्चर्स दे आर यूज टू इंक्रीज सोयल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, जो यह है हमारे जो एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो कार्बनिक अवशिष्ट होते हैं जो सब्जियों के छिलके या जो जंतु अवशेष होते हैं वो जीवाणु जो अपघटन होता है वो जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, तथा हानि रहित हार्मलेस का मीन्स होता है हानि रहित पदार्थ बनते हैं। और जैसे कि हमें पता है, जैसे कि हमें याद होता है कि जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता बनाने में भी वृद्धि के लिए भी किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं इनके नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।